बहुत अच्छी मूवी है, ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है और अजय देवगन, सौरभ शुक्ला जी की बहुत अच्छी एक्टिंग है उसमें। अम्मा जी हैं एक कैरेक्टर, पाड़ू कैरेक्टर है। अच्छा। सॉन्ग्स तो बहुत अच्छे हैं, कुछ पुराने सॉन्ग्स का उन्होंने न्यू वर्जन निकाला है तो वो भी बहुत अच्छा है। 5 में से 4.5। एंड यू? 4। इट वाज ऑसम, इंडिस्क्राइबेबल, बट इट वाज रियली रियली नाइस। Best thing was that obviously all the characters were amazing. The villain, the dadi, obviously Ajay Devgan, they were all amazing. And I don't think there was really bad thing in the movie. The only thing was that in the beginning it was a bit boring, I would say, but then it's just amazing later on. It just got amazing. 5 definitely. Film काफी अच्छी थी और सभी एक्टर्स ने काफी अच्छा काम किया है। फिल्म में काफी अच्छा स्क्रीन प्ले है, कहीं भी आपको बोर नहीं होने देता। और बस खामी मुझे ये लगी फिल्म में गाने नहीं होने चाहिए थे, काफ़ी उसकी फिल्म के पेस को काफ़ी स्लो कर रहे हैं आप लोग। यार गाना क्यों डाल दिया बीच में? आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी गाने की। और उसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करूँ तो सभी एक्टर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया, मतलब काय सौरभ शुक्ला हों, अजय देवगन हों, इलियाना डिक्रूज का रोल थोड़ा छोटा है लेकिन उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। 3 इट वॉज डीसेंट। एवरेज डिसेंट, कुछ एक्टर्स का काम बहुत अच्छा है। कहीं पे मूवी बहुत अच्छी हो जाती है, कहीं पे लगता है कि यार ये चीज़ें क्यों हैं। एवरेज है, पेस स्लो हो जाता है, ग्राफ स्लो हो जाता है, मतलब इतना ग्राफ नहीं है वहाँ पे, मतलब एक टेंशन जो बिल्डअप होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही थी, तो वो चीज़ें हैं। एक्टिंग है सौरभ शुक्ला, अजय देवगन, दादी का कैरेक्टर है, एक ललन का कैरेक्टर अमित सियाल जी ने प्ले किया है, बहुत अच्छा काम। 2.5 to 3। अजय देवगन इलियाना की, मतलब इलियाना का रोल के अंदर केमिस्ट्री वाज टू गुड, क्योंकि इलियाना ने उसको बहुत सपोर्ट किया, लाइक इज अ वाइफ ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफिसर, सो इट्स लाइक शी वाज एनकरेजिंग, सपोर्टिंग टू हर, लाइक हर चीज़ में, क्योंकि वो गिव अप नहीं कर रहा था तो वो भी गिव अप नहीं करती थी साथ साथ। या इट्स मैसेज तो यही देती ना, लाइक ईमानदारी का रेट पड़ती है जब क्या होता है और क्या नहीं होता है, इट्स रियलिस्टिक। किसी के घर पर रेट पड़ी नहीं पड़ी, बट जो रियल में जो सीन होता है वो मूवी में बताया, लाइक उसको गुरु वो भी देने की कोशिश करता है बट वो लेता वेता कुछ नहीं है, वो ईमानदार बहुत होता है इसके। मूवी वॉज ओवरऑल वेरी फैंटास्टिक एंड अजय देवगन वॉज वेरी आउटस्टैंडिंग इन द मूवी एंड राजा जी ऑल्सो, केमिस्ट्री वॉज वेरी फैंटास्टिक बट इट वॉज अ लिटल बिट एट द लोअर साइड बिकॉज लीड रोल वॉज अजय देवगन एंड राजा जी। 4.5 अच्छी लगी। हाँ इलियाना भी थी बट अजय देवगन, और ये मूवी देखने के बाद ऐसा लगता है कि अच्छे दिन आने वाले ऐसे ऑफिसर इंडिया में और अच्छे दिन जरूर आएंगे इंडिया के। 4 अच्छी थी, अजय देवगन अच्छा था एंड इलियाना वॉज ओके, उनका इतना रोल नहीं था बट अजय देवगन की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी मूवी थी, अच्छी मूवी थी एक्टिंग अजय देवगन की, ऑब्वियसली बहुत अच्छी एक्टिंग थी। और आउट ऑफ 5 में उनको 4 रेटिंग दूंगा। फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा था, सेकंड हाफ टोटल है, बाकी फर्स्ट हाफ ठीक है। अच्छा अजय देवगन की एक्टिंग की बात करें, अच्छी अजय देवगन बहुत हाईलाइट, और केमिस्ट्री किस तरह की थी? अच्छी अच्छी 3 स्टार देना चाहिए।